रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम असद, मैं सगत बिनते फातिमा ओल्ड होम की किचन में मौजूद हूँ और आज माशाल्लाह 18वीं इफ्तारी है। 18वीं इफ्तारी जो है वो भी कंफ्यूज है, सब लोग जो है रोजा लग रहा होता है। 18वीं इफ्तारी में फजाना माँ क्या बना रही है आज, इन माओ के लिए क्या तैयारी की है, क्या मामला चल रहे हैं और क्या क्या हो रहा है इस वक्त, क्योंकि टाइम इतना कम होता है और इस वक्त जो है बिल्कुल जो है वो चीजें फाइनलाइज की तरफ जो है वो जा रही होती हैं। तो आज आपको सबसे पहले जो है 18वीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वो चल गया जी जी जी। आप सबको मेरी तरफ से और इन माओ की तरफ से 18वां रोजा और 18वीं इफ्तारी आप सबको मुबारक हो। मुबारक आपके सारा दिन की इबादत, आपकी नमाजें, आपका दिया हुआ सब कबूल करे। मफरत का शराब बिल्कुल खत्म होने में 2 दिन रह गए हैं। अल्लाह पाक आपकी सबकी हाजात पूरी करे। आमीन आमीन। तो मुझे बताइएगा आज क्या क्या बन रहा है, आज क्या बना है, क्या माशाल्लाह यहाँ पे तैयारी हो रही है आज माओ के लिए। मैंने आलू और चीज के एक सेकंड आलू चीज काली मिर्च। अच्छा अच्छा, ये मतलब जी आलू चीज और काली मिर्च के ना मैंने ये अच्छा सॉफ्ट है थोड़े से। अच्छा सही। और मक्खन मैंने साफ डाला था जी जी, उसके साथ और, मैंने अच्छा ये माशाल्लाह ये जो है हाँ, ये स्लाइस जो है रेडी है। चिकन मैंने बॉईल करके जी जी और मैं खोल दी, वो भी खोल दी। अच्छा बहुत खूब। तो जी ये फिलहाल जो मैं ये काम कर रहा था कार्ट में जो है उसको छोड़ दिया है। अच्छा हाँ माशाल्लाह, ये जो है इसको आपने इसके अंदर जी 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 सही। तो बजी साथ साथ इसकी और भी चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो है मैं इसको फाइनलाइज कर दूँ। आज केक भी है इसके अंदर और बाकी चीजें भी हैं। वो कहाँ गए? तो बस इसी तरह जो है मैं इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और बिनते फातिमा कराची लाहौर इस्लामाबाद तो जो है अपनी मदद में याद रखिए। मैंने कहा इससे पहले कि टाइम गुजर जाए और मैं जो हूँ लाइव चला जाऊँ और बताऊँ कि आज क्या सिलसिला क्या मामला जो है वो चल रहे हैं। तो इसी तरह आपसे भी ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और बिनते फातिमा कराची लाहौर इस्लामाबाद जिस तरह आप जो है इन माओ तक मदद पहुंचाते हैं और वो अफ्तार वो सहर फरजाना माँ जो है उसको अच्छे तरीके से जो है किस तरह से उनको पड़ोसनी है उन माओ तक, स्पेशली उन लोगों तक ये जानी है कि जो इस वक्त स्पेशली रमजान मुबारक में भी जो है इतने ज्यादा जो परेशान और किस तरह से जो है सब कुछ होने के बावजूद भी ये भी रहती है कुछ, ये भी रहती है कुछ, हाँ सब कुछ भी उसके बावजूद जो है यकीन करे ना सर पे छत है ना अपने साथ है, तो वो सहरी वो अफ्तारी वो कौन देखेगा मामला। तो यहाँ पर आने के बाद जो है फजाना माँ वो जिम्मा खुद लेती है कि किस तरह से जो है इन लोगों को खुश रखा जाए ताकि इनका जो माइंड है डाइवर्ट हो कि अल्लाह ने किस तरह गर्म नवाजी की कि जब बिनते फातिमा ओल्ड होम के अंदर आए उस छत के अंदर आए तो उनकी जो सुकून की जो इबादत है उनकी सहरी वो अफ्तारी वो मामला जो है वो शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से कल भी जो है जो रात लेट नाइट जो है एक माँ जी जो आई और यकीन जानिए कि वो अब उनको रात नींद भी बेहतर आ रही है, उनकी तबीयत भी बेहतर हो रही है और जो है माशाल्लाह वो तहज्जुद गुजार है, सबसे बड़ी चीज ये है। तो इसी तरह जो है साथ साथ रखती भी जाएंगे ताकि टाइम कम होने की वजह से जो है ट्रे ये असल में काम मेरा था क्योंकि मैं लाइव में चला गया और जो है वो मुझे थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करना पड़ा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बिनते फातिमा कराची लाहौर इस्लामाबाद अपनी मदद का हाथ बढ़ाई रखिए। इसी तरह नहीं इस तरह है। तो बस मैं भी आपसे कहूंगा कि आप भी बिनते फातिमा का हिस्सा बनिए, इन माओ का हिस्सा बनिए और अपनी स्पेशली जो है अपनी ज़कात अपनी अत्यात उसमें जो है इन माओ को याद रखिए। बस सिर्फ उसके अंदर ध्यान नहीं लगता, सिर्फ बॉल डालना है, बाकी ये रहते हैं किसी के। तो बस जल्दी जल्दी जो है लाइव वीडियो के चक्रों में जो है कईयों की ट्रे कईयों की अफ्तार जो है मैंने इसलिए कहा कि ये भी और पकड़ ले और मैं जो हूँ बाकी जो के ट्रे है उनको मैं मुकम्मल करता जाऊँ। बिनते फातिमा माओ से भी कुछ मिलेंगे कि माशाल्लाह आज का उनका सहर जो अफ्तार है वो कैसा गुजरा कैसा रहा होगा, वो भी उनसे जो है बात करेंगे उनकी तरीका की।
तो बस जी इसी तरह मैं भी आपसे कहूँ कि आपकी किसी जो मामला में जो अफरा तफरी के मामला होते हैं इस वक्त उसमें आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और बिल्कुल फातिमा ओल्ड होम का ठीक रहेगा फातिमा ओल्ड होम का साथ दीजिए। तो बस ये सारा सिलसिला केक जो है वो किस पे चला गया है, ये केक रह गया इसके अंदर माशाल्लाह। तो ये जी इफ्तारी की ये मामला है जिसके अंदर जो है आज फ्रूट चाट है, आज ना फातिमा जो लगता है आज उसको रोजा लग रहा है, तो फ्रूट चाट है इसमें, केक है स्लाइस का, उसके बाद जो है समोसा है, उसके रोल का हाफ जो है वो है इसमें, और इसमें दूध है माशाल्लाह। तो इसी तरह जो है ये ट्रे चलती जा रही है। और ये मैं आपको बताऊं कि फरदाना माँ ये ड्यूटी जो है तकरीबन 3 बजे शुरू करते हैं, पहले इसका मेजा बना, फिर बॉल बने, फिर जाके ये कहीं ये जो आप देख रहे हैं अभी पसीना आ रहा है और जो है इस वक्त चूल्हे के आगे, और माशाल्लाह देखिए किस तरह से अल्लाह बरकत देता है, खूबसूरत अफ्तारी तैयार हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं अगला रमजान आने के लिए आना खाना है, सही बात है, मेरी तो बस यही कोशिश है कि जो कर सकते हो जल्दी करो, सामने वाले को कभी नहीं देखो कि सामने वाला क्या कर रहा है, अपने आप को देखो कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह को राजी कर रहे हैं, कितनी अच्छी है जुबान, कितने अच्छे अखलाक रख रहे हैं, कर रहे हैं, ये कह के चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बस ये सारे आज दरगुजर करें, बिल्कुल सही बात है, अल्लाह ताला और आसानियां देगा। तो जी बस ये सिलसिला था जो आज की इफ्तारी का फरदाना माँ की तरफ से जो है यहाँ पर की गई है, और इसी तरह जो है एक सेकंड, तो बस ये सारा सिलसिला जो आप यकीन करें, तो बस बाहर भी चलेंगे जैसे जो है किस तरह जो है वो सब लोग जो है इस वक्त दुआ कर रहे हैं, माँ जी भी दुआ मांग रही हैं। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब, ठीक हैं, खैर खरी से हैं? मैं पहले आपके पास ही आता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए मेरी इफ्तारी ठीक है कि नहीं। 18वीं, हाँ शुक्र है, मैंने अंदर भी 18वीं कहा था कि मुझे रोजा लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, हाँ देखिए माँ जी दुआ मांग रही है जी, ज्यादा लग रहा है रोजा, अच्छा देखिए आप देखे ना फरदाना माँ का, आप देखे ना ये भी तो आपकी बेटी है, देखे जरा कितने बजे किचन में मुझे बताइए जरा, 4 बजे से बैठी हुई है ना। हाँ लेकिन सिर्फ ये आप लोगों की हिम्मत और दुआओं की वजह इस तरह से होता है, बिल्कुल ऐसा ही आमीन आमीन आमीन, बिल्कुल ऐसे आमीन आमीन। बस जी बाकी लोग भी जो है आज तो सलमा आपा ने कह दिया रोजा लग रहा है, आपको तो नहीं लग रहा रोजा, नहीं लग रहा, चले शुक्र है शुक्र है। आफिन बाजी आपको तो नहीं लग रहा, ठंडक में बैठे हुए, हवा पंखा चल रहा है, ठंडक में बैठे हुए, धूप गर्मी से हमको पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, जब बाहर निकले तो फिर पता चले, सही बात है, ठंडक में बैठे हमको पता ही नहीं चलता, अल्लाह का शुक्र अदा करें, पता चलता था ठंडक में बैठे, जी जी जी, नहीं नहीं ये फरीदा आपा ये अल्लाह की तरफ से करम नवाजी होती है कि आपको सुकून देना है, इस तरह ठंडी जगह पे रखना है, माएं होती ठंडी है तो ठंडी जगह पे क्यों नहीं आएंगी। तो वैसे इस तरह बाकी भी जो है उनके ट्रे जो है वो सब होना शुरू हो गया है, और यहाँ भी जो है रोजा तो नहीं लग रहा, अस्सलाम वालेकुम, रोजा तो नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेड़ा ही पार है, आप बड़ी खूबसूरत दुआ देती हैं, बेड़ा ही पार है, हम लोग सिंधी में बोलते हैं, अच्छा सिंधी में बोलते, बेड़ा ही पार है, बेड़ा ही पार है, आए सुभान अल्लाह, बेड़ा ही पार है, आमीन, आए अल्लाह अल्लाह हमारे पाकिस्तान के हर भाइयों को जिंदगी दे, सेहत दे, सिंधियों को दे, अल्लाह सबको बेड़ा पार हो जाता है, आए बेड़ा पार हो जाता है, आये हाय क्या माँ जी दुआ दे रही है, बेड़ा पार तो काम हो जाता है, आए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके पास आता हूँ, आप इतनी अच्छी दुआ देती हैं, बहुत शुक्रिया नजमा पा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह जगमगाता है चेहरा, खूबसूरत लग रही हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल, सबकी दुआएं हैं, अम्मी की दुआएं आएंगी, अम्मी ने इतना कुछ कराएगा, राना अम्मी की बहुत दुआएं आएंगी, उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ, 4 वर्ष से लकी तैयारी बनाती है सबके लिए, मोहब्बत प्यार खुलूस ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जी मेहनत करती है ये अल्लाह कबूल करता है, आमीन आमीन, और हम सब मिलके बहुत दुआ करते हैं, थैंक यू, लेकिन अम्मी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं, अरे नहीं अल्लाह 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 ने अल्ला तो हिम्मत दी, जी जी अल्लाह ही लोगों के दिल में डालता है, जी जी अल्लाह ही कहता है, बेशक अल्लाह ही हिम्मत देता है, जब नहीं
हिम्मत से चार घंटे बैठ के इफ्तारी सहरी बनाती हैं, अल्लाह ही हिम्मत देता है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना करती है हमारे लिए बहुत बड़ी बात। जज़ाकअल्लाह। और पता है हमें कितनी खुशी क्यों होती है, आपको अल्लाह ने सेहत दी, इस पे और ज़रा दिल खुश हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह हमारे घर एक मेहमान आया, या अल्लाह वो इतने हम उनकी खिदमत नहीं कर सके और अल्लाह ने हमारी सुनी, हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह करे और खिदमत करें इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे और आप इसी तरह ढेर ढेर दुआएं देती रहे सब लोगों को, आपके लिए, भाभी के लिए। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। ये पता है ये आपके दिल से उन लोगों के लिए भी दुआएं निकल रही है कि जो यहाँ पर हिस्सा बनते हैं, मदद पहुंचाते हैं, है ना, ये उनको भी तो जा रही है ना दुआएं, उनके भी दुआएं जा रही हैं जो लोग मदद करते हैं, बेशक करनी चाहिए। जज़ाकअल्लाह, बिल्कुल वो मदद करेंगे तो आगे भी तरक्की होगी, आगे भी इंसान और बढ़ेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। तीनों की मेहरबानी है आपकी, अल्लाह अल्लाह सबसे पहले अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह, अल्लाह के बाद सब। आई थैंक यू, थैंक यू। चले बस अफ्तार, सबके बेड़ा पार माशाल्लाह जी। ये थोड़ा दिल करता है कि थोड़ा अफ्तारी से पहले थोड़ा सा जरा खुशी दी जाए ताकि जो है खुश हों और माइंड डाइवर्ट हो, खुशियों की तरफ आए कि किस तरह से जो है फरजाना मान उनके लिए जो है अफ्तारी। अब देखिए माशाल्लाह अफ्तारी में क्या किया है माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी जी, बहुत सारी नींदें दी अल्लाह, जितना भी शुक्र अदा करी काम। हाँ माशाल्लाह। तो ये आपको पता है ये अम्मी ने खुद बनाया, ठीक है, यही तो मैं समझी, मैं सब माल पूरा है, तो मैं अम्मी को पूछ रही हूँ, नहीं माल पूरा नहीं है, ये शक्ल ऐसी लग रही है ना चौरस, खूबसूरत लग रही है अफ्तारी। हाँ बस आप इस तरह मुस्कुराती रहा करें, आप इस तरह अच्छी लगती हैं माशाल्लाह जी। बतूलापा चले चले बिल्कुल पक्का हो गया, अच्छा हमारे मालपुड़े ऐसे ही होते हैं ना, अच्छा जैसे बनाते हैं। तो ये अम्मी ने बनाया, बॉल बनाया, समोसा, रोल, चाट, तो इंशाल्लाह आप ढेरों दुआएं दीजिएगा, जो अफ्तारियां करवा रहे हैं, सहरियां करवा रहे हैं यहाँ पर, उनको ढेरों दुआएं दीजिएगा। आमीन आमीन। ओ माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ रह गए, आप कहाँ रह गए, ओहो अभी 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 फौजें आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आई कहाँ रह गए आप, सारी अफ्तारी हो गई, नहीं वो हलीमा की, सारी अफ्तारी हो गई आपका, हलीमा सबके ट्रे भरे हुए हैं, हलीमा सबके ट्रे भरे हुए, आज टूट पड़ो, देखते हैं हलीमा कहाँ जाती है, देखते हैं हलीमा कहाँ जाती है। कौन सी चीज़ पसंद है आपको, खुशबू आ रही है हलीमा, खुशबू आ रही है आपको, हैं खुशबू आ रही है, कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी अच्छी चीज है, ये मजे का है, अभी इसको शिकार करना है, अच्छा कौन सी चीज अच्छी है। फातिमा कैसी हो, ठीक हो, हाजरा रोजा लग रहा है, सच सच सलमा अपा का भी लग रहा है। तो बस ये सारी खुशियां होती हैं जो कोशिश करते हैं कि माइंड डाइवर्ट हो जाए, गर्मी लगती है, नहीं गर्मी सलमा अपा हो गई है थोड़ी सी, अच्छा 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 गर्मी लग रही है आपको, पता नहीं चल रहा, तो आप वो कुछ खाएगी तो थोड़ी एनर्जी आएगी ना, आपको क्या खाना है हलीमा, आप केक खाओ तो क्या खाना है, क्या कुछ नहीं, शरबत थोड़ा पी लेना तो गर्मी, शरबत पी लो, शरबत पी लो, आप थोड़ा सा शरबत ठंडा, शरबत पी लो शायद इससे जो है ना, हाँ पीना शरबत, बताओ नहीं असल में मैं उसको थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, इसी वजह से जो है वो शायद फील कर रही है, सारा पता हुआ देखिए जी। तो बस ये होता है कि देखें जरा सब लोग जो है खुश हो जाते हैं, देखें वो मैंने देख लिया, लिफ्ट नहीं करा रही, शुक्रिया माँ जी, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, बस आप उन तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा जो ये सबब बनते हैं यहाँ पहुँचाने का, थैंक यू माँ जी, थैंक यू। अब देखियो कह रही है आप हमें खुश करें, अल्लाह आपको खुश करेगा, और अल्लाह करता है, अल्लाह करता है खुश, जोर आपस से दोस्ती है, इसको फॉलो नहीं करो, उसको फॉलो नहीं करो। तो बस ये सारा सिलसिला है, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बिनते फाजे से सारी जो है वो अफ्तारी सब हो चुकी है, फजाना माँ भी जो है थक के जो है यहाँ पर, एक माँ जिस तरह मुकम्मल बच्चों को तैयार करके नाश्ता करा के स्कूल भेज के थक जाती है, इसी तरह जो है, ठीक है ना, मैं
सही कह रहा हूँ। तो भाई आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और बिनते फातिमा जैसे जाते जाते मैं आपसे भी ये कहूंगा, अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे माँ जी ने कहा कि आप हमें खुश करते हैं अल्लाह आपको खुश करेगा, कि ये माएँ यहाँ कितनी खुश हैं, यही एक रीज़न है कि जिस तरह आप लोग यहाँ मदद पहुंचाते हैं और किस तरह जो है बेसिकली जिस जिस दोस्ती हैं वहीं वहीं जो है वो मामला जाया जा रहा है। सलमा पापे हम सब देख रहे थे इसलिए वहाँ नहीं गए। तो वैसे इसी तरह आप भी अपने बच्चों को बुजुर्गों के पास कीजिए, देखिए कितनी दुआएं लगेंगी आपको, उनके दिल से दुआ निकलेगी। इस उम्र में दवाई से ज्यादा जो है ना वो प्यार मोहब्बत वो सब चीजें असर करेंगी। आप नंबर नोट कीजिए 03212070463। इस रमजान अपनी ज़कात, अपनी हत्यात बिनते फातिमा ओल्ड होम कराची लाहौर इस्लामाबाद की माँ को याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह खैर।